I bid you greetings from Chicago, where God lives. He lives here too in Mumbai. Yeah. Amen. Thank you so much for having us. मैं शिकागो से आपके लिए अभिवादन लाता हूँ. शिकागो ऐसा शहर है जहाँ पे परमेश्वर रहता है. I want to say what a privilege it is to be able to come before you again. और फिर से आपके बीच में आकर हमें खुशी हो रही है. The experience of being here in India is an unforgettable one. और भारत में जो मुझे अनुभव मिला है वो मैं कभी भूल नहीं सकता. The Indian people that I have known and met have such a heart for God. और भारत के वे लोग जिनसे मैं मिला हूँ, जिनको मैं जानता हूँ, मैंने देखा है परमेश्वर के प्रति उनके अंदर बहुत प्यार है. And I think you should give yourself a hand clap. और आप अपने लिए तालियां बजाओ. This nation is ripe for revival. ये जो देश है ये बेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है, पक चुका है. I want to let you know that I believe we're all tonight have been called here divinely. और मैं ये मानता हूँ कि आज की रात हम सभी को जो परमेश्वर बुलावट हुई है वो परमेश्वर की ओर से हुई है. It is no coincidence that we're all here. अचानक से ऐसी कोई घटना हुई और आप यहाँ पर आए हैं, ऐसा नहीं है. And one of the things that happens when you get a group of people together. और एक बात होती है तब जब लोग ऐसे समूह में एक साथ आते हैं. That love God. ऐसे लोग जो परमेश्वर से प्यार करते हैं. One of the words we use is synergy. One moment, please. We're getting our microphone hooked up. Check, test. No? Yeah. One of the things, words that we use to describe what I'm thinking now is the word synergy. और एक शब्द जिसके हम परिभाषा कहते हैं वो है synergy, यानी एक साथ लोगों का आना मिलना. And it has to do with parts coming together. और इसका मतलब ये होता है अलग अलग भाग जो है वो एक साथ आते हैं. But in the end, the whole is larger than the sum of its parts. और फिर कभी कभी जो है जो एक साथ आने की बात होती है वो उसके कुछ भागों से बड़ी होती है. And I think that when you get churches coming together like this, और मेरा ये मानना है कि जब इस तरह से कलीसियाएं एक साथ आती हैं, you have an unstoppable force. तो आपके पास एक ऐसी शक्ति तैयार होती है जिसको रुका नहीं सकते. I'm looking for, as a result of this meeting, और मैं ये देख रहा हूं कि इन सभा के परिणाम स्वरूप for there to be a great move of God in Mumbai. परमेश्वर का एक महान कार्य इस बंबई शहर में हो. Well, let's get into the Bible. आइए हम बाइबल में चलें. Now here I have, I have on my clock here 45 minutes and 32 seconds. और 45 मिनट 32 सेकंड हो चुके हैं. So I heard that I'm going to do two parts. और ये पूरे सत्र में हम दो भागों में काम करेंगे. And so I'm going to do the first part, and then I'll do the second part. पहले हम पहला भाग करेंगे और उसके बाद हम दूसरे भाग में जाएंगे. And then I'll leave some time, so if you'd like to ask some questions, we can ask questions. और दो भाग करने के बाद हम कुछ समय आपको देंगे. अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सवाल आप पूछ सकते हैं. Now, why have I elected to do it like that? और क्यों मैंने ऐसा चुना इस तरह से करने के लिए? Because I really believe that God never intended for the gospel to be dictated. He meant it to be demonstrated. और क्योंकि मेरा यह मानना है कि परमेश्वर ने सुसमाचार को इसलिए नहीं हमें दिया है ताकि हम उसके द्वारा अधिकार दिखाएं, बल्कि सुसमाचार इसलिए मिला है ताकि हम उसकी सामर्थ्य को लोगों के सामने प्रकट करें. And the things that I am preaching, I am doing. और वो बात जो मैं प्रचार कर रहा हूं मैं वैसा करता भी हूं. And these things are designed to not only build influence.
और ये जो इनकी रूपरेखा इसलिए नहीं बनाई गई है कि केवल इसका प्रभाव ही लोगों पर हो, But draw people into Christ. लेकिन उसके द्वारा लोग जो है प्रभु यीशु मसीह की तरफ आ सके, multitude. और बड़ी भीड़ की संख्या में. So, as I preach tonight, और जैसे आज की रात मैं प्रचार करूंगा, I'm hopefully gonna give you understanding. और मैं आशा रखता हूं कि मैं आपको एक अच्छी समझ दे पाऊंगा By the power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा. And this understanding will make it so that you just won't hear this word. और ये जो समझ होगी ये ऐसा करेगी कि आप केवल उसके वचनों को सुनेंगे But it'll be a demonstration of this word when you leave this place. लेकिन जब आप इस जगह को छोड़कर जाएंगे तो इन्हीं बातों का प्रदर्शित होना या प्रकट होना होगा. Let's open our Bibles. आइए अपनी बाइबल निकालेंगे. Let's go over to Proverbs chapter 10. आइए निकालें नीति वचन उसका दसवां अध्याय. Tonight I want to speak on faith. आज की रात हम बात करेंगे विश्वास के विषय में. And not just faith itself. और केवल अपने आप में विश्वास ही के बारे में नहीं. But faith in the blessing. लेकिन हम बात करेंगे विश्वास जो आशीषों में है. Faith in the blessing. और आशीषों में विश्वास. Let's read it starting at verse 22. और आइए हम शुरू करेंगे 22वें वचन से. The blessing of the Lord maketh rich, and he addeth no sorrow with it. धन परमेश्वर की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता. I'll try it again. The blessing of the Lord maketh rich, and he addeth no sorrow with it. हम फिर से पढ़ेंगे पर धन जो है वो परमेश्वर की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता. Let's just start with that verse. आइए इस वचन से हम शुरू करें. The blessing of the Lord. परमेश्वर की आशीष. Notice that word is not plural, it is singular. और एक चीज ध्यान दें कि ये जो शब्द है ये बहुवचन नहीं है, एक वचन है. And it's singular for a reason. और एक वचन इसकी वजह है. Because this blessing is only one blessing. क्योंकि ये जो आशीष है ये केवल एक ही आशीष है. There is only one blessing. केवल एक ही आशीष है. And the blessing of the Lord maketh rich. और वो परमेश्वर की आशीष हमें संपन्न बनाती है, अमीर बनाती है. Now if you have things like a promotion at your job. और जहां आप नौकरी करते हैं वहां पर आपको उन्नति या पदोन्नति जैसी बात होती है. Or a healing for your body. या फिर आपके शरीर के लिए चंगाई हो. Or someone gets a husband or a wife. या किसी को जो है पति मिलता है या पत्नी मिल जाती है. Those are called blessings. और इन सारी चीजों को हम कहेंगे बहुवचन में आशीषें. I'm not talking about blessings. लेकिन मैं आशीषों के बारे में बात नहीं कर रहा. I'm talking about one blessing. लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक ही आशीष के बारे में. It's the blessing. ये केवल एक ही आशीष है. The others are a blessing. और दूसरी जो है वो बाकी की आशीषें हैं. Because there are many of them. क्योंकि बहुत सारी हैं. But this one blessing. लेकिन ये एक आशीष. Produces blessings. ये एक आशीष जो है वो बहुत सारी आशीषों को पैदा करती है. So the blessing of the Lord it maketh rich. और इसीलिए परमेश्वर की आशीष जो है वो हमें अमीर बनाती है. Now this word rich. और ये जो अमीर ये जो शब्द है. We really have to deal with this word. और हमें सच में इस विषय के बारे में कुछ सोचना चाहिए. Because there's a feeling in some churches that you're not supposed to talk about being rich. और क्योंकि ऐसे कई कलीसियाओं की मान्यता है वो कहते हैं कि तुम्हें जो है अमीर बनने के बारे में बात नहीं करनी चाहिए. And I was looking in the Bible in Genesis chapter 13. और मैं देख रहा था बाइबल में और वो पाया जाता है उत्पत्ति उसके 13वें अध्याय में. And Genesis chapter 13 and verse 2. और उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय और दूसरा वचन. And Abram was very rich in cattle and silver and gold. और अब्राहम जो था वो भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था. Notice what he said. अब ध्यान दें यहाँ पे क्या कहता है. He wasn't rich. वो अमीर था. He was very rich. बल्कि वो बहुत अमीर था. And the Holy Spirit thought that that should be mentioned. और इसीलिए पवित्र आत्मा ने सोचा कि इस बात को यहां लिखना बहुत जरूरी है. And if you look at it in Genesis 26, it talks about Isaac being extremely rich. और अगर आप उत्पत्ति 26 में देखेंगे वहां पे आप पाते हैं कि जो इसहाक था वो बहुत ज्यादा अमीर था.
You look at Genesis chapter 31 and you'll see that Jacob was so rich he took all that Laban had. Aur fir agar aap utpatti 31 mein aayenge to aap dekhenge Yaqub itna jo hai ameer tha wo Laban ke bhi jo hai adhikar ko usne liya. You look at the book of Job in chapter 1. अगर आप अय्यूब उसके पहले अध्याय को देखें, it gives a financial statement of Job. वो अय्यूब की माली हालत के बारे में बताता है. And this man Job, the Bible talks about he was the richest man in the east. और फिर अय्यूब जिसके बारे में बाइबल कहती है कि पूर्वी देशों में ये सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति था. I was looking at another scripture here in Psalm chapter 35. और मैं यहाँ पे एक और वचन देख रहा था भजन संहिता उसके 35 के Let them shout for joy and be glad and that favor his righteous cause. Yea, let them say continually, let the Lord be magnified, which has pleasure in the prosperity of his servant. जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें कि परमेश्वर की बढ़ाई हो जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है. Pleasure in the prosperity of his servant. यानी अपने दास के संपन्नता से वो खुश होता है. This is those people who have a priority to serve God. ये ऐसे लोगों के बारे में है जिनके जीवन की प्राथमिकता परमेश्वर की सेवा है. Now I was looking in 2 Corinthians in chapter 8. और फिर अब मैं देखता हूँ दूसरा कुरिन्थियों उसके आठवें अध्याय में. And verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might be rich. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ. Don't ever take the word of God and pull it down to try to fit your lifestyle. कभी भी परमेश्वर के वचन को नीचे लाकर अपने जीने के जो तरीके में उसको ढालने की कोशिश नहीं करें. You take your lifestyle and take it up to fit the word of God. आपके लिए जरूरी है कि आप अपने जीवन जीने का तरीका लें और परमेश्वर के तरीके में उसको बैठाएं. And one more thing. एक और बात. God is not concerned about your opinion. परमेश्वर जो है आपकी सलाह मशवरा की परवाह नहीं करता. Let me try it one more time. हम एक बार और कहेंगे. God is not concerned about your opinion. परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है आपके विचारों से. The Bible says his word is forever settled in heaven. बाइबल बताती है उसका वचन स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थापित किया गया. I think it's Psalm 119 and verse 89. और भजन संहिता 119 का 89 वचन. The way I got to where I am. और जहां पे मैं हूं is that I came to Chicago with $200. और मैं जहां हूं वहां इसलिए हूं क्योंकि मैं जब शिकागो आया था तो केवल मेरे पास $200 थे. I had gone to seminary and we had tried to start a church or had started one church and I only had $200 and God said go to Chicago. और मैं seminary गया उसके बाद हम चर्च कलीसिया की स्थापना यानी शुरू करना चाहते थे. मेरे पास केवल $200 थे और परमेश्वर ने कहा तू शिकागो चला जा. Nobody knew me. कोई मुझे नहीं जानता था. And nobody even cared to know me. और किसी ने परवाह भी नहीं की मुझे जानने की. But today, लेकिन आज we are preaching on a weekly basis to over 800 million households. और फिर आज जो है हम हर दिन कम से कम 80 लाख से भी ज्यादा घरों में प्रचार करते हैं. Now I read in the Bible, और मैंने ये बात को बाइबल में पढ़ा. In Acts chapter 10 and verse 34. I read in the Bible in Acts chapter 10 and verse 34. प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और 34वें वचन में. That God is no respecter of persons. कि परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता. But in every nation, लेकिन हर एक राष्ट्र में, he that feareth him, जो हर एक राष्ट्र जो उसका भय मानता है, और जो धार्मिकता की ओर जाता is accepted with him. और वो उसके साथ स्वीकार किया जाता है. Let me give you the translation. Let me give you the translation. और इसका अनुवाद मैं आपको देता हूँ. Has the same access to his blessing. और उसको जो है उसी तरह से उसकी आशीषों के ओर प्रवेश has होता the है same access to his blessing. और ऐसे ही उसको जो है उसकी आशीषों में प्रवेश मिलता There's है only one blessing. केवल एक ही आशीष है. And if you fear God, अगर आप परमेश्वर का भय मानते do what he says, और जैसे हमारे कहता you have the same access to that blessing. जैसे मैंने कहा आपको उसी तरीके से उसकी आशीषों में प्रवेश And the मिलता blessing है of the Lord maketh rich. और परमेश्वर की आशीषें आपको अमीर बनाती हैं. And he adds no sorrow with it. और उसमें वो कोई दुख नहीं मिलाता. See, people don't have any problem with money. देखिए लोगों को पैसे से कोई समस्या नहीं है.
What people have a problem with is God giving it to you. और फिर समस्या लोगों को यह है कि वो पैसा परमेश्वर आपको देता है. In my country, they have something called a lottery. और हमारे देश में एक चीज जिसको कहते हैं लॉटरी. That's where you buy a ticket. इसका मतलब आप पैसा देकर एक टिकट खरीदते हैं. And then you sit down at the television set. और उसके बाद आप टेलीविजन के सामने बैठते हैं. And you wait on your number to come up. और फिर आप इंतजार करते हैं कि लॉटरी पे लिखा हुआ नंबर आपके टीवी पे आ जाए. And if your number comes up. और जब आपका नंबर आता है. You just won millions of dollars. और फिर आपको करोड़ों रुपए आप जीत जाते हैं. And everybody pats you on the back. और सारे लोग आकर आपकी पीठ थपथपाते हैं. Oh, you're the luckiest guy I know. और वो कहते हैं अरे तू तो बहुत ही लकी आदमी है मुझे पता I don't have any problem with getting money. लेकिन पैसा लेने में कोई समस्या नहीं है. But it's when God gives it to you. लेकिन जब परमेश्वर आपको दे तब वो हमें चाहिए. That's when the enemy tries to get a controversy going. और यही पे शैतान जो है वो विरोधाभास की बातों को ले आता है. Here's what Abraham said in Genesis chapter 14. और ये वो बात है जो उत्पत्ति 14 में अब्राहम ने कही. He said, "Let no man say that he's made Abraham rich, but Almighty God." और वो कहता है कि कोई ऐसा ना कहने पाए कि जो है अब्राहम अमीर हुआ, बल्कि उसे परमेश्वर ने अमीर किया. Over in 2 Corinthians in chapter 9 and verse 8. और दूसरा कुरिन्थियों 9:8 में अगर हम देखें. In 2 Corinthians chapter 9 and verse 8, he talks about rich again. और दूसरा कुरिन्थियों 9वें अध्याय के 8वें वचन में वो फिर से अमीरी के बारे में बात करता है. He said, "And God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may abound to every good work." और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिसे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो. Here's what it says in the amplified translation. और विस्तारित जो ट्रांसलेशन है उसमें कुछ ऐसा कहता है. God is able to make all grace. कि परमेश्वर अपना अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है. Every favor and earthly blessing come to you in abundance. और हर एक कृपा और हर एक संसार की आशीष जो है वो बहुतायत में आपके पास आती है. That you may always and under all circumstances and whatever the need. और ताकि तुम हमेशा हर एक परिस्थितियों में चाहे कैसी भी जरूरत क्यों ना हो. Be self-sufficient. तुम खुद पर आधारित रहो. Having enough to require no aid or support. और ऐसी दशा में जियो ताकि तुमको कोई सहायता या मदद की जरूरत नहीं पड़े. And furnished in abundance for every good work and charitable donation. और फिर हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास हर बातों की बहुतायत बनी रहे. You see, God never intended for you to get rich and keep it all. और परमेश्वर ने कभी भी उसकी यह इच्छा नहीं थी कि आप अमीर बने और सारी संपत्ति अपने पास रखें. I'm going to show you about Abraham. मैं आपको अब्राहम के बारे में बताऊंगा. Because Abraham was dispensing goods to other people. क्योंकि अब्राहम जो था वो अपनी चीजों को औरों के साथ बांटता था. Now I'm dealing with the word rich. और मैं यहाँ पे अमीर इस शब्द के विषय में बात कर रहा हूँ. Because when you start talking about that word as a preacher. और एक प्रचारक होने के नाते आइए इस शब्द से हम आगे बढ़ेंगे. Get ready for persecution. और इसीलिए तैयार हो जाए सताव आने के लिए. Why? क्यों? Because money is what Satan holds his dominion on. क्योंकि ये पैसा ऐसी चीज है जिस पर शैतान ने अपना कब्जा करके रखा है. Money is the devil's anointing. और ये जो पैसा है ये शैतान का अभिषेक है. Look what it says in Ecclesiastes chapter 10. और फिर chapter 9. सभोपदेशक 10:9 में देखिए क्या कहता है. And starting at verse 16. और फिर 16वें वचन से. Then said I, wisdom is better than strength. Nevertheless, the poor man's wisdom is despised, and his words are not heard. That's Ecclesiastes chapter 9 and verse 16. और सभोपदेशक 9:16 में ऐसा लिखा हुआ है कि तब मैंने कहा यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है. Now, what am I saying? मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? If you're poor, यदि आप गरीब हैं, you have no influence. यानी आपका प्रभाव नहीं होगा. I'm just letting you know right now. और मैं ये बात आपको इस समय तीन लोगों को. God never intended for the church to be broke. और फिर परमेश्वर नहीं चाहता था कलीसिया के लिए कि वो गरीबी दशा में रहे. He never intended for some other government to take care of the poor.
और फिर परमेश्वर नहीं चाहता था कि कलीसिया का जो है अधिकार कोई सरकार या कलीसिया के बोर्ड का अधिकार को सरकार Amen for you to take care of them. और परमेश्वर ने वो आपको दी है ताकि आप उसे संभालें. And what is he going to do? Give you more than enough. तो परमेश्वर कैसे करेगा? आपको बहुतायत से ज्यादा आपके पास देगा. Rich does not mean $1 million or $1 billion. और अमीर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं. It means more than enough. इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास बहुतायत से ज्यादा हो, जरूरत से भी ज्यादा हो. Let's go back to Proverbs chapter 10 and verse 22. आइए नीति वचन 10:22 को देखेंगे. The blessing of the Lord, it maketh rich. परमेश्वर की आशीषें आपको अमीर बनाती हैं. And he addeth no sorrow with it. और वो उसमें दुख नहीं मिलाता. Now notice what this blessing does. अब आप ध्यान दें ये आशीष क्या करती है. It will make you rich. वो आपको अमीर बनाती है. To the point that you cannot hide it. इतना अमीर बनाती है कि आप अपनी अमीरी को छुपा नहीं सकते. The Bible says that when you receive the 30, 60, 100 fold. बाइबल बताती है कि जब तुम्हें 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना मिलेगा. Persecution comes with it. तो उसके साथ जो सताव है वो भी आएगा. So my question to you. अब मेरा सवाल आपके लिए. Can you stand to be blessed? क्या आप आशीष पाने के लिए ऐसी दशा में खड़े हो सकते हैं? Make up your mind right now. और इस समय एक बात को Whether you can take to be blessed. लेकिन ये जरूरी है कि आप उसको तैयार रहे लेने के लिए ताकि आप आशीष पाएं. Because persecution comes with it. क्योंकि इसके साथ साथ सताव भी आता है. But so does influence. लेकिन वो जो है उससे प्रभाव भी बनता है. What is it going to do? अब उस क्या करेंगे? It's going to let you direct people to God. और वो आपको धन संपत्ति इसलिए देगा ताकि आप उसके असर के द्वारा लोगों को प्रभु की ओर ले आएं. So I wanted to get the rich, the word rich out of the way. और इसीलिए अमीर ये शब्द हम रास्ते से दूर करते हैं. Because you don't have to keep it all. क्योंकि आपको इन सारी चीजों को अपने पास नहीं रखना. Start being a giver. और इसीलिए देने वाला बनना शुरू करें. Start blessing other people. और दूसरे लोगों को आशीष देना शुरू करें. Start building schools for the poor. गरीबों के लिए स्कूल बनाने शुरू करें. Okay, let's keep going with that verse again. और आइए इसी वचन से हम और आगे बढ़ेंगे. The blessing of the Lord, it maketh rich. परमेश्वर की आशीषें अमीर बनाती हैं. And he addeth no sorrow with it. और उसके साथ वो उसमें दुख नहीं मिलाता. Now I want to read that same verse out of the New International Version. New International Version से हम इसी वचन को फिर से पढ़ेंगे. And here's what it says. और यहाँ पे वो ऐसा कहता है. I wrote it down in my Bible. और हमने उसे अपनी बाइबल में लिख लिया. And you should write it down in your Bible. और आप भी उसे अपनी बाइबल में लिख लें. Now if you can't write it, if you cannot write in your Bible. अगर आप अपनी बाइबल में नहीं लिखेंगे. Go get another Bible. और अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप दूसरी बाइबल ले. Get one that you can write in. हम चाहते हैं कि आप उसे अपने बाइबल पे लिखें. This is your success book. ये जो बाइबल है ये आपकी सफलता की पुस्तक है. He says, the blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. और वो कहता है कि परमेश्वर की आशीषें जो हैं, वो धन और संपत्ति को लाती है और उसके लिए कोई भी कठिन परिश्रम या फिर दर्दनाक ऐसी बातों को करना नहीं पड़ता. I want you to get this. अब मैं चाहता हूँ इसको समझ लें. The blessing. आशीष. When it's on your life. वो आपके जीवन पे है. It brings wealth. वो जो आशीष है वो आपके जीवन पे धन और संपत्ति ले आती है. You were never meant to run after money. Money was meant to run after you. आपको पैसे के पीछे भागने के लिए नहीं बनाया गया है बल्कि पैसे को आपके पीछे भागने के लिए बनाया गया है. You'll find some people spend all their waking hours trying to run after money. आप देखेंगे कि कई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह से उठकर रात के सोने तक पैसे के पीछे भागते रहते हैं. That is a terrible way to live. और ऐसी जिंदगी जीना बड़ी दुर्दशा की बात है. I'll talk more about that in a few minutes. और कुछ ही मिनटों में इस विषय में हम और भी बात करेंगे. The blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. और परमेश्वर की आशीषें धन संपत्ति को दुख यानी मेहनत किए बिना आपके पास ले आती है. All right, let's use this as a foundation text. और आइए हम इसको बुनियादी वचन के रूप में उपयोग करें. And let's go back to Genesis chapter 1 and see where the blessing starts. और फिर आइए हम उत्पत्ति के पहले अध्याय में जाएंगे जहां से हम देखेंगे कि आशीषें शुरू हुई हैं. In Genesis chapter 1 and verse 26. और उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 26वां वचन. And God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air,
over the cattle and over all the earth and every creeping thing that creepeth upon the earth. और फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें. Verse 28. और 28वां वचन. And God blessed them and said unto them, Be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, over every living thing that moveth upon the earth. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो. All right, now this is important. और ये महत्वपूर्ण बात है. And God blessed them. और फिर आगे लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी. Now this word blessing. और ये जो आशीष ये शब्द है. The word blessing is in Hebrew the word baraka. और हिब्रू भाषा में आशीष के लिए जो शब्द है वो है बराका. The word bless. आशीष ये शब्द. Is the word barak. और इसको शब्द आया है बराक. You've heard it in the name of a president, or if you looked in Judges, you've seen it in Judges. और फिर आप इसको जो है बराक के नाम को आप राष्ट्रपति के नाम में भी सुन सकते हैं या फिर न्यायियों में भी आप देख सकते हैं. Now what does it mean? इसका मतलब क्या है? It means to be endued with power for success. और इसका मतलब कि आप जो है सफलता की दिशा में बड़ी सामर्थ्य के साथ बढ़ते हैं. So it's a supernatural ability that God places on an individual. इसका मतलब यह हो गया कि एक ऐसी अलौकिक अद्भुत शक्ति जो परमेश्वर सफलता पाने के लिए किसी पर देता है. Now this blessing और ये जो आशीष है is the same power God used to create the universe. और ये आशीष यानी वही सामर्थ्य का उपयोग परमेश्वर ने सृष्टि के बनाने के लिए भी किया. It's a scriptural name that God used to create all matter. और ये जो है वचन के से संबंधित नाम है जिसका उपयोग परमेश्वर ने सारी वस्तुओं के बनाने के लिए किया. It is called the blessing. और इसको कहते हैं आशीष. Now, and God blessed them. और लिखा है कि फिर परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी. And said unto them. और उनसे कहा. Be fruitful. कि फूलो फलो. And multiply. और भर जाओ. And replenish the earth. और इस पृथ्वी को अपने वश में कर लो. And subdue it. और उसमें भर जाओ. And have dominion. और लिखा है उसके ऊपर अधिकार रखो. So now let's look at it. अब आइए इसको देखें. Because the same power God used. क्योंकि वही सामर्थ्य जिसका उपयोग परमेश्वर ने किया. He's placing on Adam. और वो अब वही सामर्थ्य को वो आदम पे रखता है. Why? क्यों? Because God is going to allow Adam to bring forth creation on the earth. क्योंकि परमेश्वर आदम को इजाजत देगा कि वो इस पृथ्वी पर कुछ नए सृष्टि का निर्माण करे. God started at Adam in a place called Eden. और परमेश्वर ने आदम की शुरुआत की एक जगह से जिसका नाम था अदन की वाटिका. Eden was a type of heaven on earth. और अदन की वाटिका जो था वो स्वर्ग का प्रतिरूप था पृथ्वी पर. And God gave Adam the blessing. और फिर परमेश्वर ने आदम को आशीषें दी. That everywhere Adam went. ताकि जहां कहीं आदम गया he could manifest a garden. वो जो है उस बगीचे को प्रकट कर सके. He could go और वो जा सकता to the worst place on earth पृथ्वी के सबसे बुरी ऐसे स्थान में and जा सकता turn it into heaven और उसको स्वर्ग में with the बदल power सकता of the blessing. क्योंकि उसके पास आशीषों की सामर्थ्य थी. Now I want you to see this. अब हम चाहते हैं आप इसको because देखें. This man is created in God's image and his likeness. क्योंकि ये व्यक्ति जो है परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में बनाया गया. He has the same DNA as God. इसका मतलब उसके अंदर वही DNA था जो परमेश्वर में था. When God was ready for fish, he looked at the sea and called fish out of the sea. और परमेश्वर मछली बनाना चाहता था उसने समुद्र को देखा और उसमें मछलियां भर दी. He looked at the ground and call plants out of the ground. और उसने जमीन को देखा और उसने जमीन में से पेड़ पौधे उगा दिए. But when he looked for you, he called you out of himself. लेकिन जब उसने आपकी ओर देखा उसने आपको अपने अंदर से निकाला. You are in the same image and likeness of God. आप वही परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने हैं. Likeness means function the same way. और समानता इसका मतलब उसी तरीके से काम करने वाला. So in Genesis chapter 2 and verse 7
और इसलिए उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय सातवां वचन. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life and man became a living soul. तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया. Notice what he's doing with man. अब आप देखें मनुष्य के साथ परमेश्वर क्या कर रहा है. He is now creating him. अब यहां पे परमेश्वर से बना रहा है. What does the word create mean? और निर्माण करने के It means to bring forth. इसका मतलब उसे अंदर से निकालना, उसको Everything लाना. That you saw in the universe was in God. जो भी चीज आप इस सृष्टि में देखते हैं वो सारी चीजें परमेश्वर में थी. And he brought it forth. और फिर परमेश्वर उसे अपने में से बाहर लाया. Here's what Jesus taught to the disciples. यही बात यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. I'll do it again. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. You see, in the beginning, words were meant more for creation than communication. और जो शब्द होते थे उसका उपयोग बातचीत से ज्यादा किसी बात के निर्माण में होता था. When he said, God blessed them and said to them, और वो कहता है परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, he was passing power. इसका मतलब वो अपनी सामर्थ उसमें दे रहा था. So what am I saying? मैं क्या कह रहा हूं? No wonder the Bible says in Psalms chapter 8, what is man? और फिर इसमें कोई जो है आश्चर्य की बात नहीं है कि भजन संहिता 8 में बाइबल मनुष्य के बारे में क्या कहती है. Thou art mindful of him. और वो कहता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी इतनी चिंता करे. Or the son of man that thou visited him. कि मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू आकर उसकी भेंट ले. Thou has made him a little lower than the angels. तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ कम बनाया. That word angels there is the only place in the Old Testament that angel is translated Elohim. और पुराने नियम में स्वर्गदूतों के लिए जो शब्द आया वो इसी एक ही जगह जिसका अर्थ जो है एलोहिम होता है. The only place that angel is translated God. यानी यही एक जगह है पुराने नियम की जहां पे स्वर्गदूत का अनुवाद जो है वो परमेश्वर ऐसा अर्थ लगाया जाता है. Now let's look at this. अब आइए इसको देखें. Because God has created this man. परमेश्वर ने इस मनुष्य को बनाया. He places him in the garden. और उसे वाटिका में रखा. He gives him an assignment और उसको करने को उसने काम दिया. To keep the garden ताकि वो जो है बगीचे की देखभाल करे. And to take this garden throughout the earth और इस बगीचे को पूरे पृथ्वी पर ले जाए. He also has fellowship with the man. और परमेश्वर उस मनुष्य के साथ संगति भी रखता था. Adam walked and talked with God. आदम जो था वो परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर के साथ बात करता था. And also he provided for the man. और परमेश्वर ने मनुष्य की लगने वाली हर जरूरत को दिया. Now what am I saying there? इस यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ? Everything that Adam needed was in the garden. इसका मतलब यह हुआ कि जो भी चीजों की जरूरत आदम के लिए थी वो सारी जरूरतें उस बगीचे में थी. You'll ever need is in this book. और आपको भी जो चाहिए वो सारी चीजें इस बाइबल में हैं. And if it's not in this book, you don't need it. और अगर वो चीज इस बाइबल में नहीं है इसका मतलब यह है कि आपको उसकी जरूरत नहीं है. So notice, और आप इसको Here's Adam. He is now walking and talking with God. अब यहां पे आदम जो था वो परमेश्वर के साथ चल रहा था, परमेश्वर से बात कर रहा था. God has him to name all the animals. और परमेश्वर ने ऐसा किया कि आदम जो है सारे प्राणियों का नाम रखे. Look at the capacity of this man. अब आप इस आदमी की क्षमता को देखें. And this is what what are they doing back there? This Hey, y'all stop till I get done. Praise God. This is what Jabez prayed. और यही जो बात थी, याबेज भी प्रार्थना कर रहा था. For God to bless him. वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर उसे आशीष दे. And enlarge him on the inside. और उसको अंदर से बढ़ाए. You see, well, let me keep going here. So what happened here? अब यहाँ क्या होता है? Now he makes Eve. और अब परमेश्वर हव्वा को बनाता है. But he gets Eve out of Adam. लेकिन वो बनाने के समय हव्वा को आदम से निकाल कर बनाता है. Her body was fashioned from a rib out of the man. यानी कि हव्वा का जो शरीर था वो आदम की पसली से बना. Now I want you to notice. हम चाहते हैं इसको समझें. Before he gave Adam a wife,
इससे पहले कि परमेश्वर आदम को उसकी पत्नी देता, He gave him a job. तो उसने उसे एक काम दिया. I just thought you'd like to know that. Now, what's going on? आगे क्या हो रहा है? Here is a serpent. अब हम देखते हैं कि एक सर्प या सांप आता है. The devil. शैतान. He's coming after the man. और वो जो है आदम की ओर आता है. What is he after? और किस बात के वो पीछे है? The power of the blessing. वो जो है आदम से आशीषों की जो सामर्थ्य है उसको चुराना चाहता है. So he tempts Eve. और इसीलिए वो हव्वा को बहका देता है. The Bible says she was deceived, but Adam was not. और बाइबल बताती है कि हव्वा बहकाई गई, आदम नहीं. But Adam went along with the program and ended up losing his position. और लेकिन आदम ने भी अपने आप को उस कार्यक्रम में ले आया और जिसकी वजह से आदम ने अपने स्थान और अधिकार को खो दिया. He ended up forfeiting the blessing. और ऐसा हुआ कि वो सारी आशीषें वो गंवा बैठा. Now that very power that God put on him, he has it no more. और वो सामर्थ्य जो परमेश्वर ने आदम के पास दिया था अब उसके पास नहीं रहा. Now let me get your theology right. अब मैं आपकी थियोलॉजी को सही करूं. You cannot lose the blessing. आप आशीषों को खो नहीं सकते. You can't be separated from it. आप आशीषों से अलग नहीं किए जा सकते. The devil can't steal it from you. शैतान आपसे उसे चुरा नहीं सकता. You can't get in a shower and wash it off. और वो आपको नहला के आपकी आशीषों को धो नहीं सकता. When the blessing comes on you, जब आशीषें आपके ऊपर आती हैं, it's on you for life. वो जिंदगी भर के लिए आपके ऊपर होती हैं. Well, how could Adam lose the blessing? अब सवाल यह है कि आदम ने आशीषों को कैसे खोया? Because he lost his life. क्योंकि उसने अपनी जिंदगी ही खो दी थी. The man that God created was no longer existing. क्योंकि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया पाप की वजह से अब वो जिंदा ही नहीं रहा. Adam took on the nature of the devil. आदम ने जो है शैतान के स्वभाव को अपना लिया. He was changed. He was the first man born from life to death. और वही आदम पहला मनुष्य था जिसका जन्म जीवन से मृत्यु में हुआ. Jesus was the first man born from death to life. और यीशु मसीह पहला वो व्यक्ति था जिसका जन्म जो है मृत्यु से जीवन की ओर हुआ. What was he after? वो किसके पीछे था? Getting that blessing back. वो जो है आशीषों को वापस पाना चाहता था. Getting his man back. वो अपने मनुष्य जो उसने बनाया था उसको वापस उसके स्थान पे लाना चाहता था. So now the devil tempts Eve and they eat of the fruit. और हम देखते हैं कि अब शैतान जो है वो हवा को बहकाता है और वो फल खाते हैं. What does Adam lose? और आदम ने क्या खोया? He lost fellowship. उसने वो परमेश्वर के साथ की संगति को खो दिया. Could no longer walk and talk with God. ऐसा हुआ कि अब वो आगे को ना तो परमेश्वर के साथ चलता था ना ही परमेश्वर से बात कर पाता था. The cell phone signal was down. क्योंकि जो उसके सेल फोन का सिग्नल था वो बिल्कुल डाउन हो गया था. What did he lose also? आदम ने एक और चीज कौन सी खोई? He lost his ability for God to provide for him. और उसने जो है अपनी एक क्षमता खो दी जिसमें परमेश्वर उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता था. Now that was very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. And he lost his assignment. और उसके करने के काम को भी आदम खो बैठा. Purposelessness is epidemic today. और आज जो है उद्देश्यहीनता ये एक बीमारी की तरह से फैल गई हर एक लोगों में है ये. Think about it. इस बारे में सोचो. How many people don't know why they're here? और कई ऐसे लोग हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि वो इस पृथ्वी पर क्यों हैं. One of the best-selling books that was written in our modern time is The Purpose-Driven Life. और आज जो हमारे इस समय में इस दौर में जो सबसे बेहतर लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है Purpose-Driven Life, यानी ऐसा जीवन जो मकसद की दिशा में बढ़े. You were not designed not to know your purpose. और आपको इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप अपने उद्देश्य और मकसद को ना जान सकें. So what happens next? और अगला क्या होता है? Now Adam and Eve get driven out of the garden. ऐसा होता है कि अब आदम और हव्वा जो है उस बगीचे से बाहर निकाल दिए जाते हैं. Now let's look at Genesis chapter 3 and verse 17. और आइए अब हम देखेंगे उत्पत्ति तीसरा अध्याय और 17वां वचन. And it says, and unto Adam God said, because you have hearkened to the voice of your wife, and have eaten of the tree which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for your sake.
In sorrow shall you eat of it all the days of your life. और आदम से उसने कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा. Now I want you to see this. अब मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को देखें. I'm taking my time in telling the story because the blessing runs from Genesis to Revelations. और मैं ये समय इसलिए ले रहा लगा रहा हूं इसमें क्योंकि ये जो आशीष है ना इसको देखें तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक चलती आई है. I'm going to show you that's what this book is about. और मैं आपको दिखाऊंगा जिस विषय में ये पुस्तक है. So notice what God says. अब देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, ध्यान दें. Because you've done this. क्योंकि तूने ऐसा किया. He says that cursed is the ground for your sake. In sorrow shall you eat of it all the days of your life. इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा. Now, if I look up on my iPhone and look up my Bible app, which you should have on your cell phone. और अगर मैं अपने iPhone को देखूं और उस iPhone में जो आपने Bible app डाला गया है, अगर उसको देखूं, it's a free app. और ये मुफ्त में जो है ऐप को हम ले सकते हैं. You need it. और आपको उसकी जरूरत है. The Bible is your success book. क्योंकि बाइबल जो है ये आपकी सफलता की पुस्तक है. You need to hang out with it all the time. आपके लिए जरूरी है कि आप बाइबल को हमेशा अपने साथ रखें. So if I look at the amplified translation. और यहां पे जो amplified translation है, here's what it says. वहां पे ऐसा कहा है, in sorrow and toil shall you eat of it all the days of your life. दुख के साथ, बड़ी मेहनत के साथ तू भूमि की उपज को सारी जिंदगी भर खाएगा, ऐसा लिखा है. Now, if you look at Luke chapter 5, और यदि आप अब देखें लूका उसका पांचवा अध्याय, we're going to fast forward in the blessing. और आप देखेंगे उन आशीषों में आगे पीछे. I looked up the word toil. और हम जो है परिश्रम या मेहनत के बारे में देखते हैं. And this word toil means, और ये जो परिश्रम या मेहनत इस शब्द का अर्थ है, sweat and strain, यानी कि पसीना बहाना और कष्ट करना. It means labor with fatigue and pain. इसका मतलब ऐसा परिश्रम करना जिसमें कठिन मेहनत करनी पड़े और तकलीफ वाला हो. It means labor that oppresses the body or the mind. या ऐसी मेहनत जिसका असर जो है मन पे और शरीर पे भी पड़ता है. God never intended for mankind to toil for anything. और परमेश्वर की ये विचार नहीं थे मनुष्य के लिए कि वो किसी भी बात के लिए मेहनत करे या परिश्रम करे. And because of what I'm teaching you today, और क्योंकि आज जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, I came to announce, तो मैं इस बात को घोषित करने आया, your days of toiling are over. कि आपके मेहनत और परिश्रम करने के दिन खत्म हो गए. You will never struggle for anything again in your life. और आप फिर से आपको अपनी जिंदगी में किसी बात को पाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. Now, the blessing. आशीषें. The blessing brings a number of things. और ये जो आशीष है ये बहुत सारी बातों को लाता है. They are all through the Bible. और ये सारी बाइबल में लिखी हुई है. The blessing brings supernatural increase or prosperity. ये जो आशीष है, ये अलौकिक और अद्भुत तरीके से बढ़त को लाता है, संपन्नता को लाता है. The blessing brings supernatural promotion. और ये आशीष जो है, वो अलौकिक तरीके से आगे बढ़ने की बात को लाता है. The blessing brings supernatural proficiency. और फिर ये जो आशीष है, ये अलौकिक अद्भुत तरीके से आप में कुछ करने की क्षमता लाता है. You remember what David said in Psalm chapter 144 and verse 1? और भजन संहिता 144 उसके पहले पद में दाऊद ने क्या कहा आपको याद है? He said, "He teaches my hands to war and my fingers to fight." और वहां पे लिखा है वो मेरे हाथों को जो है वो लड़ना और उंगलियों को युद्ध करना सिखाता है. What am I saying about you? इसका मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूं? I'm saying that as God takes you into situations, इसका मतलब परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थिति में ले जाता है. You're going to maybe not know what to do before you get into it, but when you get into it, God's going to give you knowledge of what to do. इसका मतलब ये हुआ कि उस परिस्थिति में आने से पहले आपको नहीं पता था कि वहां जाके मैं क्या करूं, लेकिन जब परमेश्वर आप उस परिस्थिति में लेकर आता है तो परमेश्वर आपको बुद्धि भी देता है कि अब आपको क्या करना है. The blessing gives you supernatural protection.
और ये जो आशीष है ये आपको अलौकिक सुरक्षा भी देती है. What does that mean? इसका मतलब क्या है? That means when the blessing is on you, there's a blessing wall around you. इसका मतलब जब आशीष आपके ऊपर होती है तो आशीष की एक सुरक्षा की दीवार आपके चारों ओर होती है. Not even witchcraft can affect you. ऐसी दशा में जादू टोना भी आप पर कोई काम नहीं कर पाएगा. The blessing gives you supernatural fruitfulness. और ये जो आशीष है ये आपको अलौकिक फलदायी बनने की क्षमता को देती है. And it brings supernatural fertility. और वो अद्भुत अलौकिक तरीके से आपके अंदर कुछ बात को पैदा करने की ताकत देती है. Now what do I mean by fertility? और फिर पैदा करने की ये बात से मेरा क्या मतलब है? You remember Sarah was never able to have children. देखिए सारा जो था उसके शरीर की दशा ऐसी नहीं थी कि वो But कभी भी संतान पैदा करे. Once the blessing came. लेकिन जब एक बार आशीष आई. Her womb opened up. उसका गर्भ खुल गया. And I'm telling you, if you're married and have not been able to have children, get ready. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी शादी हो गई है और आपको अभी भी संतान नहीं हुई है तो अब आप तैयार हो जाएं. Because that blessing is going to be activated in your life. क्योंकि वो आशीष जो है वो आपके जीवन में काम करेगी. You better go buy those baby clothes right now. और अब ये तैयारी है कि आप अपनी आने वाले बच्चे की तैयारी शुरू करें. Because something is about to happen to you. क्योंकि आपके अंदर अब कुछ तो होने वाला है. Your husband is going to look at you differently than he's ever looked at you. और फिर आपका पति अब आपको कुछ अलग सा ही नजर आएगा. Come here, mama. Can you say that? Okay. Well, anyway, y'all don't have no interpretation for that. That's brotherhood. Okay. Now, supernatural favor. और अलौकिक परमेश्वर की कृपा. What is supernatural favor? और ये अलौकिक कृपा क्या है? God is going to give you favor so that you never have to thank a man for it. और परमेश्वर आपके ऊपर ऐसी कृपा देगा कि उस बात के लिए आपको कभी भी किसी मनुष्य का धन्यवाद नहीं करना पड़ेगा. Also, the blessing brings supernatural business savvy. और फिर ये जो आशीष है ये अलौकिक व्यापार करने की क्षमता आपको देगी. You see, God never intended for you to compete with competition. और परमेश्वर की ये कभी इच्छा नहीं थी आपके लिए कि आप प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्पर्धी बनकर जिए. Or compete with another business. या फिर दूसरे बिजनेस से आप स्पर्धा करें. No. नहीं. The blessing makes you dominate. परमेश्वर की आशीष आपको ऐसा करेंगे कि आप राज करेंगे. The blessing makes you 10 times better. वो आशीष आपको 10 गुना बेहतर बना देंगी. So I'm saying to you, और मैं आपसे कहता हूं, that we're going to look at this example of the blessing. और हम जो है इस आशीष के उदाहरण को देखेंगे. I'm fast forwarding now. अब इस समय हम आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से. Because in the synagogue, the Pharisees were teaching the law. क्योंकि आराधनालयों में जो फरीसी हुआ करते थे वो व्यवस्था सिखाते थे. Jesus was teaching the blessing. लेकिन यीशु मसीह जो थे वो आशीषें सिखाते थे. All right, let's look at Luke chapter 5. आइए देखेंगे लूका उसका पांचवा अध्याय. Starting at verse 1. और पहले वचन से. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret, and he saw 2 ships standing by the lake. The fishermen were gone out of them, and they were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And as he sat down, he taught the people out of the ship. और जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, और वे मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। Now, it's no coincidence that Jesus got in Peter's boat. और ये कोई अचानक से हुई घटना नहीं थी कि यीशु मसीह पतरस की नाव पे चढ़ गए। To the casual reader, it looked like Jesus that's just coincidentally got in his boat. और अगर आप यूं ही बाइबल पढ़ते हैं तो आपको यही समझ में आएगा कि बस ऐसे ही वो नाव थी पतरस की और इसीलिए यीशु मसीह पतरस की नाव में चढ़ गए। That's the carnal person. ये ऐसा व्यक्ति है जो जिसको आत्मिक बातों से कोई लेना देना नहीं है। But the spiritual person, लेकिन वो व्यक्ति जो आत्मिक है, gets the revelation, उसे ये प्रकाशन मिलता है, that Peter, कि पत्रस जो है, desired something, क्योंकि पत्रस जो था वो कुछ चाहता and था, and desire draws God, और चाहने वाली बात जो होती है वो परमेश्वर को आकर्षित करती है, because God will give you the desires
of your heart. क्योंकि ये परमेश्वर ही है जो आपके मन की चाहत को या इच्छा को पूरा करता है. I really believe. और मैं सच में विश्वास करता हूँ. You're coming here tonight. आज की रात आपका यहाँ आना. Is not just coincidental. ये अचानक से हुई घटना नहीं है. I believe something drew you here. मैं मानता हूँ कि कुछ तो था जो आपको यहाँ पर खींच कर आया. Because a change is about to come in your life. क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है. And I'm telling you now. और मैं अब आपको कहता हूँ. That God is going to touch you this week. कि आज की इस सप्ताह में परमेश्वर आपको छुएगा. That whatever you've been struggling with. ताकि जिन सारी बातों के साथ अब तक आप संघर्ष करते हैं. Wave your struggles goodbye. और आप अपने संघर्षों को हाथ हिलाकर Come on, wave your struggles goodbye. अपने जो संघर्षों को हाथ हिलाकर goodbye कहें. And because of Peter's the teaching that he heard. और वो शिक्षा जो यहाँ पे पत्रस सुनता है सीखता है. You know what that is? आप जानते हैं क्या है? Do you know what that is? आपको पता है ये क्या है? It means I am out of time. इसका मतलब मेरा समय अब हो गया. Can I finish this story? क्या मैं इस कहानी को पूरा कर लूं? She said, "Don't have a break." और उन्होंने कहा कि बिल्कुल रुको मत, ब्रेक मत लो. I'm gonna take a break, honey. Now, notice what else. अब एक और बात को ध्यान दें. Favor. परमेश्वर की कृपा. Favor means that God is leaning in your direction. कृपा इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपकी दिशा में झुककर देख रहा है. See, it's a lot of other people God could have picked. देखिए बहुत सारे लोग होंगे जिनको परमेश्वर देख सकता था. But he leaning in your direction. लेकिन वो आपकी दिशा में आगे बढ़ रहा है. Now, here's what I want you to do. अब मैं ये चाहता हूँ कि आप करें. Sit straight in your chair. अपनी कुर्सी पर एकदम सीधे से बैठ जाएं. And lean to the right. और आप दाहिनी ओर मुड़ें. Okay. And now lean to the left. अब आप बाईं ओर मुड़ें. That reminds the person sitting next to you that God is leaning in your direction. इससे आपके बगल में बैठे हुए व्यक्ति को पता चल जाएगा कि इसी तरह से परमेश्वर भी आपकी दिशा में झुक रहा है. When you walk in your house tonight, walk in leaning. और इसलिए आज जब आप अपने घर में घुसेंगे तो झुकते हुए अंदर घुसें. When you drive home tonight, drive home leaning. God is leaning in your direction. क्योंकि परमेश्वर आपकी दिशा में झुक रहा है. Say, I receive that. और कहे कि मैं इसे स्वीकार करता हूँ. That's all you got to do. Don't achieve that. Receive that. और फिर आपको ये उसको ले लेना, स्वीकार करना. If you just receive it, God will achieve it. और फिर आप केवल उसको लेंगे, परमेश्वर उसको पूरा करेगा. All right, so let's read a little bit more. और फिर और हम आगे बढ़ें. Verse 4. चौथा वचन. Now when he had left speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draught. और जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो. And Simon answered said unto him, Master, we have toiled all night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा. Now, I looked in the Good News translation. और अगर इसी चीज को Good News translation में देखें, and I looked or the Living Bible. या फिर दूसरा जो बाइबल लिविंग बाइबल है and उसके अनुवाद को देखें. Up this verse 5. और ये पांचवें वचन को अगर मैं देखता हूँ. And here's what it says. और ऐसा कहता है. Let down your nets and you will catch a lot of fish. और वो कहता है कि तू अपने जाल को डाल, तब तू बहुत सारी मछलियां पकड़ लेगा. And here's the rule for you to remember. और अब यहाँ पर एक सिद्धांत, एक नियम है जिसको आप हमेशा याद रखें. God will deliver into your hands what you're willing to declare with your mouth. और परमेश्वर तैयार है उन बातों को आपके हाथ में देने के लिए जिन बातों को आप अपने मुंह से कहने के लिए तैयार हैं. So what happened now? अब क्या होता है? Peter answered him. और पत्रस उसको उत्तर देता है. He said, Master, we have toiled all
night. वो कहता है स्वामी देख पूरी रात हमने कड़ी मेहनत की है. Notice toil. मेहनत ध्यान दे. Where did toil come from? कड़ी मेहनत करना ये बात कहाँ से आई? It came from the garden. यानी वो बगीचे से आई. It came that when Adam sinned, the blessing left and toil was his next wave. इसका मतलब जब आदम ने पाप किया, आशीषों ने उसे छोड़कर चला गया और आदम की जिंदगी में कड़ी मेहनत की बात आ गई. Now, what is Jesus doing? और यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? He's going to remove the toil from his life. इसका मतलब अब यीशु मसीह शमौन के जीवन से वो जो मेहनत की बात थी उसको निकाल रहे थे. Why? क्यों? Toil is under the curse. क्योंकि ये जो कड़ी मेहनत की बात है ये तो श्राप के अधीन है. And one of the reasons for the blessing is to remove the curse. और आशीष पाने के लिए ये जरूरी है कि जो श्राप है उसको निकाल दिया जाए. Now before you leave here tonight, इससे पहले कि आज की रात को आप यहाँ से जाएं, I'm going to have you convinced. और हम चाहते हैं कि आप इस बात को समझें. That the blessing is on your life. कि आशीष है आपके जीवन पर है. And when that blessing is on your life, और जब वो आशीष आपके जीवन पे है, and you release the blessing. और उसके बाद उन आशीषों को आप देंगे. Look out, devil. और शैतान देख. Everything he stole is coming back to you. वो सारी बातें जो शैतान ने चुरा ली है वो सब आपके पास आ रही हैं. Verse 6. और छठवां वचन. And when they had done this, they enclosed a great multitude of fish, and the net brake, and they beckoned to their partners, which were in the other ships, that they should come and help them. And they came and filled both ships, so that they began to sink. And when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, I am a sinful man, O Lord. जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे. इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और वे उन्हें आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी. ये देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं. Notice. इस बात पर ध्यान दे. He said, "We've toiled all night. Nevertheless, at Thy word." वो कहता है कि देख हमने सारी रात कड़ी मेहनत की है, फिर भी प्रभु तेरे कहने से. Notice what he was doing. अब ध्यान दे वो क्या कह रहा है. He was doing it by faith. अब ये जो काम करने वाला था पतरस वो विश्वास से करने वाला था. When he did it by faith. जब उसने ये काम को विश्वास से किया. He released the blessing. उसने आशीषों को वहां पर दे दिया. And once you release the blessing by faith, और जब एक बार आप उन आशीषों को विश्वास के साथ मुक्त करते हैं, the blessing knows what to do. तो आशीषों को पता है कि क्या करना है. And so many fish came into the net till it popped. और फिर ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा संख्या में मछलियां उस जाल में आ गई और भर दिया. He called for his partners. Hey guys. और उसने अपने साथियों को बुलाया, आ जाओ. Come in, get some of these fish. और आ जाओ और थोड़ी और मछलियां ले लो. Because God just doesn't want you to be blessed. He wants others to be blessed. क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि केवल आप ही आशीष पाएं, लेकिन परमेश्वर चाहता है दूसरे भी पाएं. They filled up their ship, so both ships were almost sinking. और ऐसा हो गया कि उन्होंने आकर भी अपनी नाव को भर लिया और दोनों नावें डूबने लगी. My friends, मेरे दोस्तों, there is no scarcity in the earth. इस पृथ्वी पर किसी बात की कमी घटी नहीं है. The earth is stocked with goodness. और जो पृथ्वी है वो भली बातों से भरी हुई है. So what happened here? अब यहाँ पर क्या होता है? All these fish jumped in the net. और सारी मछलियां कूद कर उस जाल में आ जाती हैं. Then when Peter got to the shore, he threw himself down at Jesus' knees. He said, "Depart from me, I'm a sinful man." और जब भरी मछलियों को लेकर पतरस जो किनारे पर आता है, वो अपने घुटनों पर आता है और कहता है, "यीशु मसीह, तुम उससे चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ." For he was astonished, and all that were with him, at the large catch of fishes that they had taken. और वो इसलिए क्योंकि उसे देखकर जो है अचंभा हुआ, उन सारी मछलियों को देखकर अचंभा हुआ जो उसने पकड़ी थी. Notice, he was astonished. वो अचंभित हो गया. If he had caught five fish, he would not have been astonished. अगर उसके जाल डालने से उसे पांच मछलियां मिलती तो वो अचंभे में नहीं आता. What am I telling you? मैं यहां से क्या कह रहा हूं? God is about to do something for you. परमेश्वर कुछ ऐसी बात है जो आपके लिए करने जा रहा है. That's going to make you astonished. वो बात आपको अचंभे में डाल देगी. He told Abraham, "Abraham, you're going to have a child." और उसने अब्राहम से कहा कि अब्राहम देख तुझे संतान होगी.
And he said, now how's this going to happen to me? Because I'm old and my wife is old too. और फिर अब्राहम ने कहा कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता? मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है. He said, yep, your wife is going to have a child. और उसने कहा, हाँ, तेरी पत्नी से तुझे संतान होगी. And the Bible said Sarah heard it behind the tent and she began to laugh. और फिर बाइबल बताती कि सारा ने जब इन बातों को सुना पीछे से तो वो हंसने लगी. I came here to tell you. मैं आज यहाँ पे आया हूँ आपको बताने God के लिए. is about to do something to make you laugh. और फिर परमेश्वर कुछ आपके जीवन में ऐसा करेगा जिसकी वजह से आप हंसेंगे. You've been sad long enough. आपने बहुत दिन दुख उठा लिया. God about to make you laugh. अब परमेश्वर ऐसा करेगा कि आप हंसेंगे. So what happened? फिर आगे क्या हुआ? Peter threw himself down. और उसने वो घुटनों पर आ गया, गिर पड़ा. What did he see? और फिर उसने क्या कहा? He got it without toil. और ये जो आशीष उसे मिली ये बिना मेहनत के मिली. He didn't struggle for it. उसने इसके लिए कोई मेहनत नहीं करी. You see, God never made for you to struggle. परमेश्वर ने ऐसा आपको नहीं बनाया कि आप मेहनत करते रहें. Toiling is under the curse. जो मेहनत करना है वो श्राप की बात है. Even if you stay all up all night worrying and thinking about something, you are toiling. अगर आप रात को भी बिना जगे रात भर किसी बात के बारे में चिंता करते हैं, इसका मतलब रात में भी आप मेहनत करते हैं, कष्ट करते हैं. Go to bed. God gives His beloved sleep. और आप बिछाने पे जाएं, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है. Whenever you get in faith, जो भी बातें आप विश्वास में पाते हैं, you have just gotten into a rest. तो आपको जो है विश्राम मिलता है. So what happened? तो क्या हुआ? The blessing went to work. और यहाँ पे आशीष ने काम किया. And watch this. The blessing brought in so many fish. और फिर देखें आशीष ने इतनी ज्यादा मछलियां उसे दी. All over that lake. और उस पूरे झील की जो मछलियां थी. If you've got a business, more business is about to come in that you can handle. अगर आप व्यापार शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, परमेश्वर ऐसा करेगा, इतना आपके बिजनेस को बढ़ाएगा कि आप उसे संभाल ना पाए. If you've got a church, take the walls and push them out because people are coming in from everywhere. और अगर आपके पास चर्च है तो आप उसकी दीवारों को और भी बढ़ा दें, क्योंकि लोग इतने आएंगे कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे. Remember this. इस बात को याद रखें. If you rest, अगर आप आराम करेंगे, God works. परमेश्वर काम करेगा. So notice. इस बात को ध्यान दें. Every fish, हर मछली, came in. अंदर आ गई. Now when I come back, और जब मैं वापस आऊंगा, talk about commanding the blessing. अब मैं बात करूंगा आशीषों की आज्ञा देने के बारे में. Not one fish sat on the sideline and said, "Not today, Jesus." उनमें से ऐसा भी नहीं हुआ कि एक भी मछली ने एक और आकर ये कहा होगा, प्रभु आज मैं इस जाल में नहीं फंसूंगी. Every fish had to obey God. हर एक मछली के लिए जरूरी था कि वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे. And I'll be back in a few minutes. मैं फिर से वापस आऊंगा.